जय डंको बाजे ने शंख मंगल गाजे ने आज संवेगिनी छोड़ो पछड़ी। तीर्थ स्पर्श सीजन टू ये डिवाइन यात्रा का हमारा पहला पड़ाव लक्ष्मणी तीर्थ पहुंचा। शब्द कम पड़ रहे हैं, शब्दों की दुनिया नहीं मिल रही है इस तीर्थ के बारे में कुछ कहने के लिए। जंगल में मंगल स्वरूप ये तीर्थ अलीराजपुर से 8 किलोमीटर दूर पर यह स्थित है। प्रामाणिक लेखों से इस तीर्थ का इतिहास 2000 साल से भी प्राचीन मिलता है। मुगल शासकों ने इस तीर्थ को बहुत क्षति पहुंचाई, बहुत नुकसान पहुंचाया, तब यहाँ के श्रावकों ने यहाँ की प्राचीन प्रतिमाओं को भूगर्भ में छिपा दिया, जो आज भी सुरक्षित मिलती है। तो चले हमारे दूसरे सीजन के पहले तीर्थ में ये एक भावभीनी यात्रा कि हम यहाँ से शुरुआत करें। चलिए, लक्ष्मणी तीर्थ। लगभग आधा किलोमीटर दूर से ही यहाँ आने वाले यात्रियों को एक अलग अनोखी दुनिया में प्रवेश होने का एहसास होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी तीर्थ में इस तरह का नैसर्गिक और प्राचीनता को इतनी गहराई से समेटा हुआ वातावरण नहीं देखा। प्राचीन काल में इस तीर्थ को लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणीपुर के नाम से भी जाना जाता था। इस तीर्थ के इतिहास को पन्नों को जब हम खोलते हैं तब इस तीर्थ की भव्य समृद्ध विरासत के बारे में जानने को मिलता है। यहाँ 2000 जैन श्रावकों के घर और 101 भव्य जिन मंदिर थे। दर्शन मिला तेरा प्रभु, मेरा यही सद्भाग्य है। स्वामी मिलन तुझसे हुआ, मेरा यही सौभाग्य है। हरदम मिले सानिध्य तेरा, एक मेरी यही प्यास है। दिल में प्रभु तेरा बसेरा हो, यही अभिलाष है। 37 इंच के अद्भुत अलौकिक श्री पद्म प्रभ स्वामी भगवान की श्वेत वर्णीय प्रतिमा जी यहाँ विराजित है। प्रभु हमारे सामने जीवंत विराजमान हो, ऐसा एहसास भगवान को देखकर होता है। परिकर बिना की यह धवल पाषाण से बनी नयन रम्य प्रतिमा जी भक्तों के मन को मोह लेती है। प्रभु जी के पद्मासन पर प्राचीन कोतरकाम की झलक मिलती है। विक्रम संवत 1093 के समय का लेख देखने को मिलता है। मूल नायक भगवान के आजू बाजू में बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान और वर्तमान 24 के 19वें तीर्थंकर श्री मल्लिनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा विराजित है। ये दोनों प्रतिमा जी भी लगभग 1000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। श्याम वर्णीय श्री अजितनाथ भगवान की यह प्रतिमा बालू रेत से बनी हुई है। चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी की 32 इंच की बड़ी श्वेत वर्णीय प्रतिमा सर्वांग सुंदर है। इस प्रतिमा पर कोई लेख नहीं है, फिर भी इन पर रहे हुए चिन्हों के आधार पर यह प्रतिमा जी संप्रति महाराज के समय की ज्ञात होती है। आदिनाथ भगवान की 27 इंच, श्री ऋषभदेव जी की 13-13 इंच की बादामी वर्ण की प्रतिमाएं कम से कम 700 वर्ष प्राचीन हैं। ये तीनों प्रतिमाएं अत्यंत आकर्षक हैं। 4 अंगुल प्रमाण पार्श्वनाथ भगवान की छोटे से पंचधातु की प्रतिमा सहित बाकी की सभी पंचधातु की प्राचीन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं। रंग मंडप में दोनों छोटी देहरियों में पद्मप्रभ स्वामी के यक्ष कुसुमदेव और यक्षिणी अच्युता देवी विराजित हैं। विशाल रंग मंडप में श्रीपाल मैना के जीवन चरित्र को सुंदर तरीके से अंकित किया गया है। अजितनाथ भगवान के समय के उत्कृष्ट 170 तीर्थंकर भगवान एक साथ विचर रहे थे, उनका साक्षात्कार करवाता हुआ यह 2000 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्राप्त दुर्लभ पट भी यहाँ पर है। साथ ही महाप्रभावक सिद्धचक्र यंत्र का विशाल पट भी यहाँ मौजूद है। मुख्य जिनाले के नजदीक ही पूज्य श्री राजेंद्र सूर्यजी गुरु महाराज साहेब का गुरु मंदिर है। भूगर्भ से प्राप्त प्राचीन अवशेष आज भी यहाँ मौजूद है। 101 मंदिरों की जहाओ जलाली वाली दुनिया के प्राचीन अवशेष आज भी यहाँ कहीं जगह मिलते हैं। प्राचीन काल का 52 जिनालय जो आज यहाँ मौजूद नहीं है, उसके अवशेष आज भी यहाँ मौजूद है।
यही वो खेत है, यही वो जगह है जहाँ पर मंदिर में विराजित सभी प्राचीन प्रतिमाएं इसी भूगर्भ से, इसी खेत से प्राप्त हुई थी। तो चलो इसका हम अवलोकन करें। भीलाला जाति के किसान को जिस जगह से प्रतिमा प्राप्त हुई थी वो जगह पर आज भी प्राचीन शिलालेख मौजूद है। यहाँ के वातावरण में परम तत्व के होने का एहसास होता है। यहाँ की हवाएं इतनी मधुर, शीतल और सुहावनी है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता है। यहाँ का पानी पाचन शक्ति वर्धक है, इसलिए यहाँ रहने वालों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। मुझे अलीराजपुर के कुछ युवान मिले यहाँ पर, उनके द्वारा जो जानकारी मिली उससे ये मालूम हुआ कि अलीराजपुर में कभी ऐसा भी समय था जब वंश परंपरा आगे ही नहीं बढ़ती थी, और कई परिवारों ने वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए लड़कों को गोद लेना शुरू कर दिया था। लेकिन जब ये पद्मप्रभा स्वामी भगवान प्रतिष्ठित हुए तब से ये वंश परंपरा की समस्या का प्रभु की कृपा से हमेशा के लिए निदान हो गया। एक समय अलीराजपुर का संघ दो भागों में बटा हुआ था। संघ की एकता के लिए बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने अथक प्रयास किए, फिर भी सफलता नहीं मिली। फिर यहाँ के युवाओं ने पद्मप्रभा भगवान के नाम से एक ग्रुप की स्थापना की, और एक दिन 50-60 युवान एक साथ में भगवान के पास सामूहिक प्रार्थना के दरमियान उनसे कहा, हमारी वंश परंपरा जैसे विकट समस्या का समाधान आपने सरलता से किया था, तो ये समस्या भी आपके हवाले। और प्रभु का चमत्कार, 10-12 दिन के अंदर ही अलीराजपुर का पूरा संघ हमेशा के लिए एक हो गया। इस समय तीर्थ की स्थिति बहुत अच्छी है, आवास निवास और भोजन की सुंदर सुविधा उपलब्ध है। हर पूनम को कई यात्री यहाँ पर पूनम भरने के लिए आते हैं। आप एक बार तो कम से कम इस तीर्थ में जरूर पधारें।